महादेव ऐप पर नके फंस गए भूपेश बघेल। चुनाव से पहले सामने आ गया बघेल का घोटाला। 508 करोड़ की लूट, ईओडब्ल्यू लेगी बघेल से हिसाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ ईडी का हंटर चलते ही केजरीवाल भी लख रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईडी ने कांग्रेस का चुनावी खेल बिगाड़ दिया है। करीब 508 करोड़ के घोटाले में ऐसा एक्शन लिया है कि राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में हिल उठे हैं। दरअसल इस बार ईडी की सौंपी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर ईओडब्ल्यू ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रडार पर लिया है और लोकसभा चुनाव से पहले बघेल का चुनावी खेल बिगाड़ दिया है। ईओडब्ल्यू ने महादेव वेटिंग ऐप मामले में भूपेश बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बघेल के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, विश्वासघात और जालसाजी का केस दर्ज हुआ। बघेल के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत केस दर्ज हुआ है। एफआईआर में भूपेश बघेल के अलावा महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उपल समेत 16 लोग शामिल हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव सट्टा ऐप घोटाले में भूपेश बघेल का नाम सामने आया था। तो जिन धाराओं में भूपेश बघेल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उससे तो पूर्व सीएम की गिरफ्तारी तय है। बता दें कि इस मामले की ईडी पहले ही जांच कर रही है। ईडी ने ही जांच के बाद आरोप लगाया था कि छत्तीसगढ़ के उच्च पदों पर बैठे राजनेता और नौकरशाह करोड़ों के घोटाले में शामिल हैं। तो ऐसे में चुनाव से पहले अगर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी हुई तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पूरी तरह हिल जाएगी, क्योंकि यहां कमान बघेल के हाथों में ही है। खैर, आखिर कैसे इस मामले के तार भूपेश बघेल तक पहुंचे और कैसे महादेव सट्टेबाजी ऐप घोटाले का खुलासा हुआ, चलिए बताते हैं। सट्टेबाजी ऐप मामले का खुलासा तब हुआ जब ईडी ने दावा किया कि उसने कैश कोरियर के ईमेल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया है। खुलासा हुआ कि भूपेश बघेल ने यूएई में स्थित ऐप प्रमोटरों से कथित तौर पर 508 रुपए लिए। महादेव बुक का मालिक गिरफ्त में है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किया गया था। तो अब 508 रुपए का खेल देश से विदेश तक खेला गया। अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो आप नेताओं की तरह कांग्रेस नेता ने भी बौखलाना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी के साथ साथ बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे तांडव मचा रहे हैं जैसे मानो घोटाले के पैसा इनके पास नहीं और किसी और के खाते में गया हो। पहले ही बोल चुका हूं कि ये 2021 से 2021 से आईटी, ईडी, सीबीआई लगातार लगे रहे, डीआरआई लगे रहे और उसमें पूरे प्रदेश में वो किसके किस मोहल्ले में नहीं गए, कौन सा वर्ग छूटा हो, जिसको डराया नहीं गया हो, जिसको धमकाया नहीं गया हो, दबाव नहीं डाला गया हो मेरा नाम लेने के लिए, वो नहीं कर पाए, कोई प्रमाण तो कर नहीं पाए। अब ईडी ये हम लोग तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार 22 से जांच कर रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, पूरे देश में सबसे ज्यादा हमने किया। उसके बाद ईडी इसमें घुस गई, ईडी ने जांच कर लिया, कंगाल लिया। अब ईडी जांच करने के बाद ईओडब्ल्यू दिया है, तो सवाल इस बात का है कि मैं कमजोर होता तो सारे एजेंसियां नहीं पड़े होती और पूरे देश में सबसे ज्यादा यदि ये सारे सेंट्रल एजेंसी जांच की है तो छत्तीसगढ़ में, छोटा राज्य जहां सबसे जांच हो रही है। मैंने कहता मैं बहुत मजबूत हूं, लेकिन उनके डर का वजह मुझे समझ नहीं आता। कानूनी शिकंजा कसते ही भूपेश बघेल मीडिया के आगे माहौल बनाने बैठ गए। खैर, अब ये सबूत उन्हें ईओडब्ल्यू और ईडी को सौंपने होंगे, एक एक रुपए का हिसाब देना होगा, तब तय होगा कि वो आरोपी हैं या फिर निर्दोष। क्या है महादेव बैटिंग ऐप? महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया ऐप है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम, चांस गेम नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। अवैध सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला, सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांच से चलता था, हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उपल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे।
यूजर को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। सौरभ चंद्राकर और रवि फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने पास रखते थे। सट्टेबाजी ऐप रैकेट एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें एल्गोरिदम यह तय करता है कि ऐप में अपना पैसा लगाने वाले केवल 30% ग्राहक ही जीते। तो इस तरह लालच देकर लोगों को लूटा गया, 500 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया गया। इस खेल में सिर्फ प्रमोटर ही नहीं, बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल रही। बॉलीवुड तक इस घोटाले की छींटे पड़ी। खैर, अब महादेव ऐप घोटाले ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया है। अगर भूपेश बघेल गिरफ्तार होते हैं तो कांग्रेस की चुनावी नैया डूबनी लाजमी है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।